जी हो गया स्टार्ट। ठीक है तो चलें जी, एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन देखेंगे। चलें, एनर्जी क्या होती है, नाम खुद बता रहा है कि ए का मतलब नई, एनर्जी का मतलब इसमें एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चीजें रिपीट करने में मुझे अजीब सा लग रहा है कि कैसे दोबारा रिपीट करूं, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा। चलें खैर कोई नहीं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी सेल्फ टॉलरेंस का ये भी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आपको याद होगा कि बी सेल जब उसको उसके हम क्लोनल सिलेक्शन करते थे, तो अगर बी सेल अपने ही एंटीजन को रिकग्नाइज कर रहे होते थे तो उसको पहले एक चांस दिया जाता था कि आप रिसेप्टर एडिटिंग के जरिए खुद को ठीक करके आए। अगर वो ठीक करके आया तो ठीक है, अगर ठीक ना कर सका तो फिर उसको या तो एपोप्टोसिस हो जाती थी या फिर उसको ए एनर्जिक बना दिया जाता था। ए एनर्जिक का मतलब क्या था कि उसको सेकंड सिग्नल नहीं मिलता था। ठीक है, अब देखिए उसको जब सेकंड सिग्नल नहीं मिलेगा, या फिर ये आपका बी सेल था उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, बीसीआर आईजीएम, ये रिमूव कर दिया जाता है, ये बिल्कुल हटा दिया जाता है। जब रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो किसी एंटीजन को पहचानेंगे ही नहीं, तो एक्शन शो नहीं करेंगे, तो वो उस तरह क्या हो जाते थे, ए एनर्जिक हो जाते थे, कि किसी काम के नहीं रहते थे, एक्टिव नहीं होते थे। या फिर दूसरा इसका क्या होता है एनर्जी का मतलब, वो ये होता है कि ये आपका मैक्रोफेज है। ठीक है, ये आपका टी सेल है, ये एमएससी क्लास 2 शो होती थी किसी भी पैथोजन को एक्सप्रेस करके, तो एमएससी क्लास 2 के जरिए ये टीसीआर और CD3 होता था, और ये फिर चेक करने के लिए क्या भेजता था, CD4। अच्छा, ये सारा क्या था, फर्स्ट प्रोसेस था। ये फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद हर टी सेल को एक्टिव होने के लिए सेकंड सिग्नल नीड होता है। लेकिन अगर आपकी ये जो एंटीजन शो हो रही है, ये वाली जो एंटीजन शो हो रही है, अगर ये आपकी एंटीजन है सेल्फ एंटीजन, आपकी बॉडी की अपनी एंटीजन है, तो ये जब अंदर जाती है तो ये पहला सिग्नल तो हो गया, पहला सिग्नल हो गया, तो इस कंडीशन में सेकंड सिग्नल नहीं मिलता। सेकंड सिग्नल क्या था, इधर से B7, इधर से CD28। अगर आपकी अपनी एंटीजन है तो ये सेकंड सिग्नल नहीं जाएगा। जब सेकंड सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या टी सेल एक्टिव होगा, नहीं होगा, बल्कि ये क्या रह जाएगा, ए एनर्जिक रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं ए एनर्जी, कि किसी सेल को या तो किसी सेल को उसकी नेगेटिव सिलेक्शन की जैसे एपोप्टोसिस की तरफ भेज दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको एनर्जिक बना दिया जाए, या फिर उसको सेकंड सिग्नल नहीं मिलता, तो वो क्या बन जाता है, ए एनर्जिक। ये आपकी सेल्फ टॉलरेंस होती है कि आपकी बॉडी अपनी एंटीजन के खिलाफ एक्शन शो क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर आपकी अपनी एंटीजन होगी तो सेकंड सिग्नल नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी अब रीडिंग कर लेते हैं। चलिए रीडिंग देखें। स्टेट कंडीशन होती है ड्यूरिंग विच अ सेल कैन नॉट बिकम एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू इट्स एंटीजन। एंटीजन तो एक्सपायर हो रही होती है लेकिन सेल एक्टिव नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि टी एंड बी सेल्स बिकम एनर्जिक व्हेन एक्सपोज्ड टू देयर एंटीजन विदाउट को स्टिमुलेटरी सिग्नल, क्योंकि उसको सेकंड सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो एक्टिव नहीं होता। अनदर मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, तो ये सेल्फ टॉलरेंस यानी बॉडी इसके जरिए अपनी एंटीजन को पहचानती है कि हमारी अपनी एंटीजन के खिलाफ हमने एक्शन शो क्यों नहीं करना। नेक्स्ट है पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी, उस दिन मैंने हल्का सा टच दिया था, आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आ रहा था, तो आज हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये कि क्या होती है आपकी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। सेम वही बात याद करें कि कोई एंटीजन आई बैर से, किसके पास, साथ दे मेरा मैक्रोफेज के पास, मैक्रोफेज ने किसके जरिए शो किया, लेट्स सपोज एमएससी क्लास 2 के जरिए, इसको कौन लेगा, टी सेल, किसके जरिए, मतलब वो जो भी था प्रोसेस सारा, वो सारा प्रोसेस होता टीसीआर CD3। इसके बाद ये किसके पास, बी सेल के पास, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 के जरिए, और बी सेल्स क्या बनेंगे, प्लाज्मा सेल्स, और इंटरल्यूकिन 4 होगी तो IgG और IgE, इंटरल्यूकिन 5 होगी तो IgA, क्या बनेगी, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जाके इसकी क्या करती है, पैथोजन की किलिंग करती है। तो यही बात वो बता रहा है कि एक्सपोजर टू एक्सोजिनस एंटीजन, जब एक्सोजिनस एंटीजन एक्सपोजर होगी तो ये सारा प्रोसेस होगा जो अभी ये हुआ है, ये सारा, ये सारा, तो इस तरह ये सारा क्या होता है उसका, ये सारा प्रोसेस होता है। तो इस तरह एक्टिवेट एक्टिव इम्यूनिटी, तो हम एंटीजन देंगे, वो जाके एंटीबॉडीज को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। तो इस तरह हम इसका नाम याद रख सकते हैं कि ये क्या है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन ये क्या होती है, स्लो, वाय स्लो, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है सारा, और इसको क्या रिक्वायर होता है, टाइम रिक्वायर होता है, यहां से सारा लंबा प्रोसेस होता है तो इसको क्या रिक्वायर होता है, टाइम रिक्वायर होता है। उसके बाद
वो कहता है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है प्रोटेक्शन मेमोरी, क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, ये बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, तो वो जब भी अगली बार उसी सेम एंटीजन को देखेंगे तो वो उसके खिलाफ क्या बना देंगे, फॉरन से एंटीबॉडीज, तो उनमें मेमोरी रह जाती है, तो वो उसको इजीली जो है ना वो कर सकते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझ आ गया? एक्टिव इम्यूनिटी ये एक्टिव करता है, हम एंटीजन देंगे वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी ये है कि हम उसमें एंटीजन नहीं देंगे बल्कि हम क्या देते हैं, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से एक्टिवेटेड हम क्या देंगे उसको एंटीबॉडी, जो ऑलरेडी क्या होंगी, एक्टिव होंगी, प्रीफॉर्म्ड होंगी, पहले से बनी हुई होगी। जब हम उसको सीधा देखिए यहां पर हम एंटीजन नहीं दे रहे बल्कि हम पैसों की क्या खरीद रहे हैं, एंटीबॉडीज, और सीधा एंटीबॉडी उसको दे रही है, एंटीबॉडीज जाके अपना फंक्शन कर रही है। जैसा कि मैंने, जैसा कि कोविड की एग्जाम्पल है, कोविड की, अगर किसी को कोविड हुआ है और वो कोविड के खिलाफ रिकवर हो गया, कैसे, अपनी एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बना के, ये क्या हो गया, रिकवर हो गया। अब यही एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में थी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्लाज्मा ले लेते हैं और प्लाज्मा उठा के जो दूसरा पेशेंट है जिसको क्या हो गई है कोविड, उसको हम क्या देते हैं, प्लाज्मा जिसमें क्या है, एंटीबॉडीज बनी हुई है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी होगी, पैसिव की एक्टिव, पैसिव क्योंकि हम इसको डायरेक्ट प्रीफॉर्म्ड एक्टिवेटेड ऑलरेडी एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं, ठीक है, जो पहले से एक्टिवेटेड है, इसमें हम ये वाला सारा प्रोसेस नहीं कर रहे, चीजों को एक्टिव नहीं कर रहे, तो ये क्या किसकी होती है, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें हम प्लाज्मा पैसों से खरीद रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज खरीद के दे रहे हैं, तो ये क्या होगी आपकी, पैसिव इम्यूनिटी। समझ आ गया? और ये क्या होती है, रैपिड। वाई, क्यों, क्योंकि इसमें हम आप सीधा उसको एंटीबॉडीज दे रहे हैं, वो लंबा सा प्रोसेस जो था वो सारा इसको नहीं करना पड़ेगा, सीधा एंटीबॉडी देंगे वो जाके क्या कर देगी, एक्शन शो कर देगी। और इसका शॉर्ट स्पैन ऑफ एंटीबॉडीज, हाफ लाइफ तकरीबन कितनी होती है, 3 वीक्स की होती है। ये क्यों होता है शॉर्ट, क्योंकि पीछे से मेमोरी तो नहीं है, मेमोरी है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी सेल्स तो है ही नहीं, बी सेल टी सेल्स, तो एंटीबॉडीज और बन नहीं रही, जो एंटीबॉडीज बनी हुई है उनका हाफ लाइफ होती है 3 वीक्स, के 3 वीक्स के बाद वो हाफ हो जाएगी, अगर 10 थी तो 3 वीक्स के बाद 5 हो जाएंगी, अगले 3 वीक्स के बाद 2.5 हो जाएंगी, तो इस तरह उनकी तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट स्पैन होता है कि शॉर्ट अरसे के लिए होता है। अगर मेमोरी होती तो ये पीछे से बनती रहती, मेमोरी नहीं है तो ये नहीं बनेगी। समझ आ गई है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, अब तो सही करके समझ आ गई होगी, हैं, पहले नहीं आई थी, पक्की बात है, ओए सदके ओए शहजादा लग गया तू, जी जी बस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, हम कहते हैं फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं एमबीबीएस में, यही चीजें होती हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती थी, कि एक अरसे के बाद एक चीज का हाफ हो जाना, एक दूसरे अरसे के बाद जो तादाद बची हुई उसका हाफ हो जाना, तो इस तरह मतलब एक वक्त आएगा मतलब ना होने के बराबर आपकी एंटीबॉडीज रह जाएंगी बॉडी में जो है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या है, आपको खुद पता होगा कि एग्जाम्पल्स क्या है, याद है आपको IgA इन ब्रेस्ट मिल्क, जब मम्मा फीडिंग करती थी तो इन्फेंट के वो IgA जो उसकी GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइनिंग करती थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज जा रही है या एंटीजन जा रही है, एंटीबॉडीज जा रही है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या डायरेक्ट एंटीबॉडीज है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। और मेटरनल IgG क्रॉसिंग प्लेसेंटा, ये भी है कि MCQs थी कि ओनली IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो ये भी एंटीबॉडीज है, तो वो फीटस के पास चली जाती है मम्मा से, सर्कुलेशन से फीटस की सर्कुलेशन में चली जाती है प्लेसेंटा से क्रॉस करके, तो ये भी एंटीबॉडीज जा रही है, तो पैसिव इम्यूनिटी। एंटीटॉक्सिन, हमने कहा कि हम टॉक्सिन के खिलाफ जो देते हैं आपकी जो भी देते हैं वो क्या होती है, एंटीटॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन के खिलाफ हम जो भी मेडिसिन देते हैं एंटीटॉक्सिन, वो भी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। और हमने पढ़ा ह्यूमनाइज मोनोक्लिनिकल एंटीबॉडी, जिसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होती है, इसमें पता क्या होती है कि हम यहीं पे थे ना हम लोग उस वक्त, चलें जी, तो हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडी ली, उसका कुछ हिस्सा लिया ह्यूमन एंटीबॉडी का, ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका ले लिया हमने नॉन ह्यूमन का, किसका, नॉन ह्यूमन एंटीबॉडी, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं बनती होती, मतलब जो ह्यूमन के अंदर नहीं बनती होती किसी नॉन ह्यूमन के अंदर बनेगी, लेट्स सपोज दैट रैट के अंदर, माउस के अंदर, उसके अंदर बनती है, ठीक है, तो ये समझ ले कि ये रैट वाली थी, ठीक है, और ये ह्यूमन वाली थी, ठीक है, ये हमने जोड़ दी, दोनों को बना दिया, एंटीबॉडी को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक ह्यूमन की एंटीजन को और एक नॉन ह्यूमन की एंटीजन को। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, कि जो आपकी ये जो रैट वाली थी, किस वाली,
रेड वाली जो एंटीबॉडी थी, इसका काम है कि एंटीजन को ये पहचानेगी। क्यों हमने ये वाली एंटीजन दी है, ये वाली एंटीबॉडी हमने क्यों दी है रेड वाली, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी एंटीजन आ रही थी जिसको हमारी अपनी बॉडी नहीं मार पा रही थी। उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ हमारी अपनी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, बल्कि उस एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन बनाता है, रेड बनाता है। तो हमने रेड वाली एंटीबॉडी उठा ली है। समझ आ रही बात कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको उठा के अपनी बॉडी में डाल दो ताकि वो इस एंटीजन को पहचान सके जो बाहर से आई है और उसकी क्या कर सके, किलिंग कर सके। अब आप लोग पूछेंगे कि सर जी ये तो हो गया ऐसी, ये क्यों ऐड किया आपने, ह्यूमन वाली क्यों ऐड की है, आप तो नॉन ह्यूमन वाली रेड वाली उठा के एंटीबॉडी डाल देते, वो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, उसके साथ उसने बाइंड किया और उसकी क्या कर दी, किलिंग कर दी। ये आपने जो है ना ये वाली क्यों डाल दिया इसमें, ये ह्यूमन वाली क्यों डाल दिया, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये पता क्या होता है। देखिए ये क्या फॉरन एंटीबॉडी नहीं है, नॉन ह्यूमन एंटीबॉडी है ना, तो इसके खिलाफ तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम एक्शन शो नहीं करेगा, करेगा बाहर से है वो इसी एंटीबॉडी के खिलाफ एक्शन शो करके इसकी क्या कर देगा, किलिंग। तो हम साथ में क्या लगाते हैं, आपका ह्यूमन वाला पार्ट लगाते हैं। ये ह्यूमन वाला पार्ट हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको धोखा दे जाता है कि यार ये अपना ही है, अपना बंदा ही है, ये मेरा दोस्त है, अपना बंदा है, इसको कुछ ना कहो, तो वो उसके खिलाफ कोई एक्शन शो नहीं करता, तो ये सर्वाइव कर जाता है। तो जब आपकी नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन आती है तो वो उसको पहचान के किलिंग कर देता है। तो मतलब आपकी ये जो थी, ये आपकी जो रेट वाली नॉन ह्यूमन एंटीबॉडी थी वो एंटीजन को पहचानती है, और जो ह्यूमन वाली थी वो सेल्फ टॉलरेंस के लिए काम आती है। किसके लिए, सेल्फ टॉलरेंस के लिए। समझ आ गई है, पक्की बात है, चलें जी। और सेल्फ टॉलरेंस के ये भी रोल होगा कि वो जो एंटी, अब जो रेट वाली एंटीजन है वो हमारी बॉडी की जो अपनी एंटीजन पड़ी हुई थी उसको भी तो पहचान सकती है, उसकी किलिंग करा सकती है रेट वाली एंटीबॉडी, तो उसके लिए भी सेल्फ टॉलरेंस कौन देगा, आपकी जो ह्यूमन वाला एंटीबॉडी थी उसका हिस्सा लगा हुआ था। समझ आ गया, पक्की बात है। और ये मोनोक्लोनल क्या होता है, मोनोक्लोनल क्या होता है, मतलब आपने जो एंटीबॉडी बनाई है वो एक स्पेसिफिक किसी एक वाइट ब्लड सेल की टाइप से बनाई है, ठीक है। तो ये कुछ उसमें आ जाता है कि यूनिक टाइप बनी है आपकी, यूनिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है, ये कुछ उस तरह में आ जाता है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें है नेचुरल इन्फेक्शन। आपको फीवर हुआ, ठीक है, आपने मेडिसिन नहीं ली, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ था, तो कुछ भी हुआ तो आप खुद ब खुद क्या हो गए, ठीक, कैसे हुए, ठीक, कि आपके मैक्रोफेज ने क्या किया, एंटीजन को पकड़ा, उसको एक्सप्रेस किया, टी सेल्स एक्टिव हुए, एंटीबॉडीज बना, वो सारा एक्टिव प्रोसेस खुद ब खुद हुआ और आपके वो उसकी क्या हो गई, डेथ। समझ आ गया। और वैक्सीन, ये पढ़ेंगे हम वैक्सीन कैसे एक्टिव इम्यूनिटी होती है, टॉक्साइड जब भी हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में कि ये क्या होती है। हाँ जी डॉक्टर, आपकी मेडिसिन क्या, अगर आपकी मेडिसिन ऐसी है कि वैक्सीन टाइप है, वो जाके उसको एक्टिव कर रही है सारा प्रोसेस, एंटीबॉडीज बनवा रही है, फिर क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आपकी वैक्सीन है एंटीबायोटिक, वो तो जाके सीधा किसकी किलिंग कर रही है, वो कौन सी होगी, पैसिव, वो मेडिसिन की टाइप की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, जो ट्रीटमेंट उसके बाद दी जाती है आपको, इन्फेक्शन के बाद में दी जाती है, ठीक है। अच्छा नोट्स में देखें, इसमें आपने एग्जाम्पल याद कर लिया, ये कौन कौन सी बीमारी हो तो हम उसमें कौन कौन सी चीजें, हम कौन कौन सी उसकी मेडिसिन देते हैं। अगर आपको टेटनस टॉक्सिन हो गया है, टेटनस याद है, वो टेटनस के बाद हम जो इंजेक्शन देते हैं वो कौन सा होता है, पैसिव। बोटुलिनम टॉक्सिन हो गया है भाई, एचबीवी वायरसिला रेबीज वायरस, रेबीज वायरस में हम जो देते हैं वो कौन सी होती है, वैसे बेसिकली रेबीज के लिए मिक्स होती है दोनों, एक्टिव भी होती है पैसिव भी होती है, ठीक है, पैसिव जाके ताकि उन जर्म्स को जल्दी से मार दे, ताकि वो रेबीज का पता क्या होती है, डॉग्स में मोस्टली होती है, वो जो बावला सा हो जाता है, हैं? कभी कभी इंसान भी ऐसे विदाउट वो बावला, यहाँ हल्का सा हल्का सा हो जाता है, हैं? हाँ पंजाबी में, हाँ सराकी में कहते हैं चित्ता थी हो जाना, तो ये मतलब बावला हो जाना। तो रेबीज के लिए बेसिकली दोनों देते हैं, पैसिव देते हैं ताकि जल्दी से जर्म से किलिंग हो जाए, और एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं ताकि वो फिर मेमोरी सेल्स बन जाए, वो दोबारा अगर कुछ जिंदा रह गए हैं आपके वो रेबीज के जो जर्म्स हैं तो वो दोबारा आगे उसके लिए मेमोरी बने और उसकी किलिंग कर सके, ठीक है। और डिफ्थेरिया टॉक्सिन, इसके लिए भी पैसिव इम्यूनिटी, अगर ये अनवैक्सीनेटेड हो पेशेंट्स, याद रखे, अगर ये पेशेंट्स पहले से अनवैक्सीनेटेड हो, अगर वैक्सीनेटेड है तो मतलब उनके अंदर पहले से एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव है, एंटीबॉडीज बनी हुई है, देने की जरूरत ही नहीं है। अगर अनवैक्सीनेटेड है फिर हम उनको डायरेक्ट क्या देंगे, एंटीबॉडीज देंगे। एंटीबॉडीज तो नहीं दी हुई ना हमने, वैक्सीनेशन की हुई है, वैक्सीनेशन ये है, वैक्सीनेशन आपकी ये है, ये वाली है एक्टिव इम्यूनिटी है,
क्या मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ अगर ये अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स हो, अगर पेशेंट्स पहले से वैक्सीनेटेड है तो एक्टिव इम्यूनिटी है, अगर पेशेंट्स वैक्सीनेटेड है तो एक्टिव इम्यूनिटी के जरिए एक्टिव होगी, उसकी एंटीबॉडीज एक्टिव इम्यूनिटी के जरिए बनेगी, उनमें मेमोरी होगी, तो उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं होगा, वो बनी रहेंगी और वो किलिंग करती रहेंगी। लेकिन अगर पेशेंट अनवैक्सीनेटेड था, उसको डॉग ने काटा है, कुछ भी है, उसको रेबीज के जर्म घुस गए, तो वो अनवैक्सीनेटेड है, तब हम उसको पैसिव इम्यूनिटी भी देंगे पहले, ताकि वो जल्दी से उसकी किलिंग कर दे। लेकिन अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड था, तो फिर देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी सेल्स बने हुए हैं, वो अगर रेबीज के जर्म्स आएंगे तो वो उनके क्या कर देंगे, किलिंग कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? समझ जानी मैं आपको क्वेश्चन। वैक्सीन दे दी उसको, ठीक है ठीक है, फिर तो नहीं जीती जाती वैक्सीन। हाँ, अगर आपने वो जो उसको वैक्सीन दी थी, वो वैक्सीन आपकी वैक्सीन नहीं थी, बल्कि क्या थी, आपकी पैसिव इम्यूनिटी थी। अगर आपने उसको सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी दी है, तो उसको बूस्टर्स नीड पड़ेंगे, उसको आगे दोबारा अगर डॉग काटता है तो उसको दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर आपने साथ में एक्टिव इम्यूनिटी भी दी थी, तो मोस्टली केसेस में नीड नहीं होती। लेकिन देखिए, एक लंबा सा अरसा हो गया, अब मेमोरी सेल्स बन तो गए हैं, लेकिन वो मेरे साथ डाउट सा होता है कि यार मेमोरी सेल्स, ये ना हो कि मेमोरी सेल्स कम ना पड़ गए हो, तो हम इसको दोबारा एक्टिविटी देते हैं, इसको दोबारा बूस्टर देते हैं और दोबारा इसकी एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है? तो अगर अनवैक्सीनेटेड होंगे तो देंगे, अगर वैक्सीनेटेड है तो देने की जरूरत ही नहीं है। यह याद करने का तरीका है कि टू बी हील्ड वेरी रैपिडली बिफोर डाइंग, मरने से पहले जल्दी जल्दी अपने आप को हील कर ले, ठीक है? तो खैर, इसमें क्या है, इसमें है कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है, कैन बी गिवन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड रेबीज एक्सपोजर। अगर रेबीज है तो दोनों देंगे, और अगर आपका HBV हो गया तो वो भी आप उसको क्या करते हैं, दोनों देते हैं। तो समझ आ गया आपको एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, पक्की बात है। अब अगर यहाँ, अब यहाँ पर हमने देखा है ये वाले के वैक्सीनेशन और टॉक्साइड्स, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन कैसे होती है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती है, ठीक है? अगर आपको एक्टिव इम्यूनिटी समझ आ गया है, तो वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है आपको, इसीलिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो क्या कहता है, वो कहता है जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, उसको वैक्सीन देते हैं, तो ये क्या करता है, इंड्यूसेस एन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, एक्टिव। वही प्रोसेस सेम, याद करें जरा, पैथोजन, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वही सेल, वही क्या होगी आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स, दोनों रिस्पॉन्स होंगे। ह्यूमरल रिस्पॉन्स कौन सा होता था, आपकी जो एंटीबॉडीज बनती है, और सेलुलर रिस्पॉन्स कौन सा होता था, CD8 वाला और TLP1 वाला, याद है? TLP1 ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, याद है? और CD8 जो साइटोटॉक्सिक किलिंग करते थे, याद है, कैंसर्स की, ये आपका कौन सा होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। तो दोनों रिस्पॉन्स में बन जाएंगे, क्योंकि MSC क्लास रिप्रेजेंट होगी, तो आपके CD8 CD4 दोनों एक्टिव होंगे, तो वो अपना काम कर जाएंगे। टू स्पेसिफिक पैथोजन, यानी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ जो है वो ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, पहले बता दूं कि वैक्सीन काम कैसे करती है, सेम वही बात है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका था, मतलब आपने कोई भी जर्म्स दी है, वैक्सीनेशन से की है, ठीक है? तो ये जाएगा, ये कमजोर होता है, या होता मरा हुआ होता है, या कमजोर होता है, या फिर ये, यानी ये बीमारी काज नहीं कर सकता। ये हमने उसको एंटीजन दी, आपका मैक्रोफेजेस को MSC क्लास 1 या 2 के जरिए शो कराएगा, आगे CD4 या CD8 होगा, वो MSC क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर बी सेल से प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लेकिन अगर MSC क्लास 1 था, तो फिर CD8 साइटोटॉक्सिक किलिंग होगी, और हेल्पर सेल, अगर TLP1 था, तो ग्रैंडुलोमा फॉर्मेशन होगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो इस तरह आपकी वैक्सीन देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस होता है, तो आपके मेमोरी सेल्स बन के रह जाते हैं, ठीक है? तो मेमोरी सेल्स फिर आगे जब भी ये सेम आएगा, उसकी क्या करेंगे, वो किलिंग करते हैं। ये मेरे ख्याल में सबको पता होता है कि वैक्सीन काम कैसे करती है, वैसे मैंने बता दिया, ठीक है? चले जी, घुस जाते हैं वैक्सीनेशन के अंदर, कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉक्साइड, कि टॉक्साइड क्या होता है। अब पता है आपका जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन, उसकी दो कंडीशन होती है। आपके टॉक्सिन का एक हिस्सा होता है, टॉक्सिन होता है, ठीक है? यानी कि पैथोलॉजिकल हिस्सा होता है, और उसका दूसरा हिस्सा, ये इसका एक पैथोलॉजिकल हिस्सा होता है, ठीक है? पैथोलॉजिकल मतलब जो पैथोलॉजी करा सकता है, जो डिजीज करा सकता है,
और इसका दूसरा हिस्सा है जो नॉन पैथोलॉजिकल होता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिक। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल, यानी ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में इंटर हो गया है तो आपकी जो बॉडी एंटीबॉडीज या कुछ भी बनाती है वो इस इम्यूनोलॉजिक हिस्से को देखकर बनती है, ठीक है। ये इस हिस्से को पहचानेगी और इस हिस्से को पहचान के क्या बना देगी, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, एंटीबॉडीज बना देंगी। लेकिन ये पैथोलॉजी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, डिजीज काज करता है। ये इम्यूनोलॉजिक जो हिस्सा है ये डिजीज काज नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वैक्सीन देते हैं उसमें हम लोग ये कहते हैं कि यार आप जो है ना ये वाला हिस्सा रिमूव कर दो, पैथोलॉजिकल हिस्सा रिमूव कर दो। जब पैथोलॉजिकल हिस्सा होगा ही नहीं, जब हम उसको अपनी बॉडी में देंगे क्या वो बीमारी काज करेगा? नहीं। लेकिन हमने उसको कौन सा हिस्सा दे दिया है, इम्यूनोलॉजिक हिस्सा। इम्यूनोलॉजिक हिस्से का काम क्या था, पार्ट का, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। इसको आपके वही मैक्रोफेजेस पहचानेंगे एमएससी क्लास के जरिए शो करेंगे तो आपकी क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। समझ आ गया ये? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें देखें मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका एक मतलब जो टॉक्सिन होता है, जो टॉक्सिन उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट होता है आपका पैथोलॉजिकल, जो पैथोलॉजी काज कराता है, और दूसरा उसका हिस्सा होता है इम्यूनोलॉजिकल, जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, ठीक है। अब जो इम्यून वाला है ये बीमारी काज नहीं करा सकता, और जो पैथो वाला है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं कर सकता। इसका काम है डिजीज काज कराना, इसका काम है इम्यून सिस्टम को एक्टिव कराना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी इसके ऊपर से ये पैथोलॉजी वाला हिस्सा ही रिमूव कर दो। तो क्या ये डिजीज काज कर सकेगा? नहीं। अब हमारे पास सिर्फ इम्यून वाला पार्ट है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जब इंजेक्ट करेंगे तो ये इम्यून वाला हिस्सा है ये आपके इम्यून सिस्टम को जाके जगा देगा, उठा देगा, उसको एक्टिव कर देगा, वो मैक्रोफेज के जरिए, एमएससी क्लास के जरिए। तो आपके मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अब मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम यही सेम एंटीजन आएगी, अब जब वो एंटीजन आएगी तो उसके ऊपर ये पैथोजन वाला हिस्सा भी लगा होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल आ रहा है। जब वो नेचुरल आएगा उसके ऊपर पैथोजन तो रिमूव नहीं है, तो जब ये आएगा मुकम्मल तो हमारे मेमोरी सेल्स पहले बने हुए मेमोरी सेल्स बनेंगे, इसकी क्या कर देंगे, किलिंग कर देंगे। समझ आ गया? समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो दोबारा रिपीट करना हो तो मैं किसी और तरीके से समझा देता हूँ। समझ आ गया? पक्की बात है? चलो वेरी गुड, तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है टॉक्सॉइड, और ये जो हम जो इम्यूनोलॉजिक हिस्सा होता है ना इसको टॉक्साइड बोलते हैं। दो हिस्से होते हैं ना, एक होता है पैथोलॉजिकल पार्ट, एक होता है इम्यूनोलॉजिकल पार्ट। जो इम्यूनोलॉजिकल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉक्साइड बोलते होते हैं, ठीक है। हम टॉक्साइड इसमें देते हैं, डीनेचर्ड बैक्टीरिया टॉक्सिन विद एन इंटैक्ट रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, यानी जो आपके बैक्टीरिया टॉक्सिन है उसको हम डीनेचर्ड करते हैं, तोड़ देना। डीनेचर मतलब तोड़ देना, जो पैथोलॉजिकल हिस्सा है उसको अलग कर देना और जो इम्यूनोलॉजिकल हिस्सा है उसको अलग कर देना। स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम, ऑफ कोर्स सिर्फ हमारे पास टॉक्साइड है, पैथोलॉजिकल हमने रिमूव कर दिया है, तो वो क्या कर देगा, टू मेक एंटीबॉडीज विद आउट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिजीज। डिजीज काज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पैथोलॉजिकल हिस्सा हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज बना देगा, क्यों? क्योंकि हमने टॉक्साइड रिमूव नहीं किया है, उसका इम्यूनोलॉजिकल पार्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। समझ आ गई ये बात? समझ आ गई है डॉक्टर अयान? समझ आ गई है? वेरी गुड। चले जी इसकी एग्जाम्पल्स देखें, इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। ये आपने इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने इसकी याद रखनी है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये रट्टा है एग्जाम्पल, इनकी याद कर ले। अच्छा इसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या है? बेनिफिट्स इसके प्रोस ये है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टेरियल टॉक्सिन, जो टॉक्सिन होते हैं उनके खिलाफ मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। यानी अगर हमने किसी बैक्टीरिया, जो ऐसे बैक्टीरिया जो टॉक्सिन वाले बैक्टीरिया हैं, तो उनके खिलाफ हम जो वैक्सीन देंगे वो कौन सी होगी, टॉक्साइड वैक्सीन होगी, ठीक है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, मतलब इसके मतलब के बेनिफिट्स हो गए, और दूसरा इसके मतलब थोड़े से नुकसान तो नहीं कह सकते, वो ये है कि एंटी टॉक्सिन लेवल डिक्रीजेस, कि जो एंटी टॉक्सिन इसमें बनी है, एंटीबॉडीज या एंटी टॉक्सिन जो बनी है इसके जरिए, वो उनका लेवल ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जाता है। मेमोरी तो बनती है लेकिन वो मेमोरी ऐसा ऐसा कम होती जाती है वक्त के साथ साथ, मेमोरी सेल्स भी ऐसा ऐसा कम होते जाते हैं विद टाइम, टाइम के साथ। मे रिक्वायर अ बूस्टर्स, और हमें बूस्टर्स नीड होते हैं। बूस्टर्स क्या होते हैं? दूसरी वैक्सीन। वेरी गुड। डोज देना है, बूस्टर्स देना, वक्त के साथ साथ उसको बूस्टर्स देते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करते हैं।
बूस्टर्स भी ऑफ कोर्स आपकी वैक्सीन है, तो वैक्सीन क्या है? बूस्टर पता क्या होती है? नथिंग एल्स। बूस्टर्स ये है कि आप एक वैक्सीन को कुछ अर्से बाद दोबारा वैक्सीन दें, के रिपीट करें वैक्सीनेशन को, दैट इज कॉल्ड बूस्टर। बूस्टर एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है ये, ऐसा समझ लिया। अच्छा, उसके बाद ये समझ आ गया आपको टॉक्साइड। अब आ जाए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्या मतलब होता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का? यहां पे आपका जो हम पैथोजन देंगे ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देंगे, ऑफ कोर्स हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वैक्सीनेशन चाहते हैं हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म देंगे, वो होगा तो जिंदा होगा, लाइव, क्या होगा? लाइव, लेकिन अटेन्यूएटेड होगा, मतलब उसको हमने कमजोर किया हुआ होगा, और इस हद तक कमजोर किया हुआ होगा कि बेचारा डिजीज काज नहीं कर सकेगा। ये तो आपको पता है वैक्सीनेशन, सब ने शुरू से यही पढ़ा होता है कि वैक्सीनेशन क्या होती है, कि हमने कोई पैथोजन दिया है, हमने उसको कमजोर किया हुआ है, जिंदा लेकिन हमने कमजोर किया हुआ है, तो ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन ये होती है। समझ आ गया? जब वो हम उसको देंगे फिर वही मैक्रोफेज वाला प्रोसेस, वही एमएससी क्लास 2 वाला प्रोसेस, वही एंटीबॉडीज, वही मेमोरी सेल्स, तो उसी तरह बन जाएंगे, तो उसी तरह काम। रीडिंग करें इसकी, करें रीडिंग करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूजेस इट्स पैथोजेनिसिटी बट रिटेन्स कैपेसिटी फॉर ट्रांजिट ग्रोथ विद इन द इनकुलेटेड होस्ट। तो हम जब उसको इतना वीक कर देते हैं तो वो डिजीज तो काज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बात कह रहा है ये वाली कि इनक्यूलेटेड होस्ट, कि जिस होस्ट के अंदर वो गया है वहां पर वो अपनी ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, ये उसके पास रिटेन होती है, लेकिन वो डिजीज काज पैथोजेनेसिटी उसके पास नहीं रहती, लेकिन वो ग्रोथ कर सकता है। वो ग्रोथ करेगा तो हमारी बॉडी को पता चलेगा कोई एंटीजन आई है, तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बनाएगी, ठीक है। उसको हम इतना वीक करते हैं तो कि वो बीमारी तो काज लेकिन ग्रोथ कर सकता है, तो उसको देख के हमारे मैक्रोफेजेस क्या बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं टी सेल और बी सेल, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। समझ आ गया? अच्छा, इंड्यूसेस, ये बात आपने याद रखनी है जो अभी बता रहा हूं। इंड्यूसेस सेलुलर एंड ह्यूमरल रेस्पॉन्सेज, ये दोनों रेस्पॉन्स बनाएगी। ह्यूमरल रेस्पॉन्स कौन सा बनाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। और सेलुलर रेस्पॉन्स कौन सा बनाएगी? ये आपके CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाएंगे, यानी ये वाले मेमोरी सेल्स भी रह जाएंगे और एंटीबॉडीज यानी बी सेल्स भी मेमोरी सेल्स रह जाएंगे, तो ये दोनों इसमें मेमोरी बन जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सेल और ह्यूमरल रेस्पॉन्स दोनों बनाती होती है। समझ आ गई ये बात? ये बात समझ आ गई है, सेलुलर वाली और ये ह्यूमरल वाली। आगे बढ़ू मैं, आगे क्या है? आगे वो कहते हैं MMR, ये MMR होता है मीजल मम्स रेबेला, मीजल मम्स रेबेला एंड वेरिसिल, वेरी कहला होता है, वेरिसेला होता है, ये लफ्ज क्या होता है? वेरिसिलप, वेरिसिलप, चले जो भी पढ़े इसको, वेरिसिलप कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव पेशेंट्स विदाउट एविडेंस ऑफ इम्यूनिटी इफ CD4 टी सेल काउंट ग्रेटर देन 200 mF³। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक पेशेंट को हो गया है HIV, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि हम इसको HIV का, HIV क्या करते हैं, एड्स वायरस क्या करता है, क्या करता है, एड्स कैसे काज करता है? HIV इज अ डिजीज, HIV इज अ डिजीज, HIV इज अ वायरस, एड्स इज अ डिजीज, नो इट्स नॉट अ डिजीज, ये डिजीज नहीं है, ये हमारे सिर्फ इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो छोटा सा भी पैथोजन आके हमारी क्या कर देगा, बीमारी काज कर देगा, तो छोटी छोटे पैथोजन, छोटे छोटे बैक्टीरिया, हल्के हल्के से बैक्टीरिया इतनी बीमारियां काज कर देंगे कि बंदे की अल्लाह ना करे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये HIV है, तो HIV खुद एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये क्या करती है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। कैसे वीक करेगी? कि हमारे जो टी सेल्स हैं या जो हमारे इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनकी नंबरें क्या कर देती है, कम, उनको मारना शुरू कर देती है, उनको क्या करना शुरू कर देती है, मारना। अब एक बंदे को HIV ने इन्फेक्ट किया, उसको एड्स हुआ, अब हम उसको वैक्सीन देना चाहते हैं HIV के खिलाफ, उसको वैक्सीन दे और जो वो HIV गया है उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। अब वैक्सीन देने से पहले उसके आपने ये नंबरिंग काउंट करनी है CD4 की, क्योंकि HIV जब पहुंच चुका है उसने आपके CD4 को मारना शुरू कर दिया। अगर वो आपके CD4 को इस हद तक मार चुका है कि आपके CD4 के जो नंबर आपके ब्लड में रह चुके हैं वो 200 सेल से भी कम है, 200 सेल से भी कम है, फिर आप जो वैक्सीन दे रहे हैं आप कहते हैं कि ठीक है ये कमजोर हमने पैथोजन दिया है, लेकिन याद रखें अगर आपकी इम्यूनिटी में सेल्स 200 से कम हो गए तो भले आप कमजोर पैथोजन भी देंगे ना, वो भी डिजीज काज कर देगा, वो भी जाके अटैक कर देगा। तो आप HIV के खिलाफ वैक्सीन तो दे सकते हैं, लेकिन माइंड में रहे कि ये 200 से नंबर ज्यादा होने चाहिए CD4 के,
तो जब भी आपने CD4 अपने HIV के पेशेंट को आप वैक्सीनेशन रिकमेंड कर रहे हैं या उसको देने जा रहे हो, पहले आपने उसना आपने उसके CD4 का ब्लड काउंट चेक कराना है कि आया उसके 200 से कम तो नहीं है। अगर 200 से कम है तो बेचारा जो 10 दिन जिएगा आप उसके वो 5 दिन कर देंगे, ठीक है? तो आपके हाथ में उसकी जिंदगी है। कम नहीं होने चाहिए 200 से, अगर वो कम होंगे तो, क्योंकि आपने जो वैक्सीन दी है उसमें कमजोर पैथोजन है, अगर 200 से भी कम होंगे तो वो कमजोर पैथोजन जाके बीमारी काज करा देंगे। तो जो बेचारा 10 दिन जी रहा था आपने उसके 5 दिन कर दिए, ठीक है? तो काउंट करें पहले 200, ब्लड काउंट करें। अगर 200 से ज्यादा है तो इससे पहले कि 200 से कम हो आप उसको क्या दें, वैक्सीन दें ताकि वो रिकवर हो सके। लेकिन अगर 200 से कम है तो इसे बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ एड्स, इट डज मीन दैट कि आई एम सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है? तो हाँ फिर हम उसकी नंबरिंग कॉल करेंगे, ठीक है? तो फौरन आके उसके बैर बंदूक को ये तो नहीं बोल देना जैसे अभी डॉक्टर अली उसकर कह रहे हैं, I'm sorry, I tried my best, but Mr. Ali Asghar is no more. तो डायरेक्ट जाके फैमिली को ये नहीं बोलना, बस ये बोलना है कि I'm sorry, थर्ड स्टेज चल रही है, we can't do anything. बाकी इसके भेजा है इसको, तो ये सीन है, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई है कि अगर उसका आपने काउंट चेक करना है, अगर काउंट 200 से ज्यादा है तो उसको आप ये वैक्सीन देंगे, और वैक्सीन कौन कौन सी देंगे, मीजल्स, मम्स, रुबेला और वैरिसेला, इसकी आप वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है? ये देंगे तो एचआईवी के खिलाफ वैक्सीनेशन, तो आपकी ये वैक्सीनेशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज को आपने मद्देनजर रखनी है, जो ये मेन वाली चीज थी, ठीक है? तो अब रीडिंग करें जरा, इसकी समझ आती है रीडिंग कि मीजल, मम्स, रुबेला एंड वैरिसेला वैक्सीन कैन बी गिवन टू एचआईवी पेशेंट, उनको हम दे सकते हैं विदाउट एविडेंस ऑफ इम्यूनिटी, लेकिन इफ CD4 काउंट ग्रेटर देन 200, अगर उससे कम होगा तो वो कमजोर वाला भी उसके अंदर एक्शन काज कर देगा और उसको हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स और वो जो लॉसेस होते हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं। इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग ऑफन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है? लंबे अरसे के लिए होती है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस के क्या हैं, मे रिवर्ट टू वायलेंट फॉर्म, ठीक है वीक फॉर्म में है, कमजोर है, लेकिन बाज दफा यही आपका कमजोर एक्टिव हो सकता है, ठीक है? मेरे रिवर्ट यानी चेंज हो सकता है आपकी वायरुलेंट फॉर्म में। वायरुलेंट मतलब वायरस, मतलब वायरुलेंट होता है डेंजरस, तो ये डेंजरस बन सकता है, दोबारा डिजीज काज कर सकता है, ये इसका कॉज होता है। ऑफन कंट्रा इंडिकेटेड इफ प्रेगनेंसी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर फीमेल इज प्रेग्नेंट और या उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, वही इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब ये सेल काउंट कम है, तो आप उसको ये नहीं देंगे, क्योंकि उस सूरत में ये रिवर्ट होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वीक सभी जाके क्या कर देगा उसकी, आपकी क्या कर देगा, पैथोजेनिसिटी उसके अंदर पैरिटी आ जाएगी। और समझ आ गया ये? अब ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है MMR, उसके बाद आपका ये इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजल, ठीक है? उसके बाद आपका वैरिसिला हो गया, उसके बाद आपका Polio 7 हो गया, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बाकी आप वैसे देख लें एडेनोवायरस वगैरह जो है ना, ये बाकी देख लें, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बता दिए, एग्जाम्पल आपने याद करें, और याद करने का फार्मूला ये है, अटेंशन टीचर्स प्लीज वैक्सीनेट स्मॉल ब्यूटीफुल यंग इन्फेंट्स विद MMR रेगुलरली, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कि इसमें हम पैथोजन देते हैं लेकिन वो क्या होता है, वीक सा पैथोजन होता है, तो वो ग्रो तो कर सकता है लेकिन डिजीज काज नहीं कर सकता। ये क्या है, अब ये अब आता है कि किल्ड आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें हमने उसको मार देना है बिल्कुल, जो पैथोजन है उसकी हमने क्या कर देनी है, किलिंग कर देनी, उधर हमने वीक किया था, इधर हमने उसकी क्या कर देनी है, किलिंग, उसकी बिल्कुल डेथ करा देनी है, उसको इनएक्टिवेट कर देना है बिल्कुल। ये देखिए रीडिंग करते हैं हम इसकी, पैथोजेन इज इनएक्टिवेटेड, बाकी वही प्रोसेस होगा कि उसको किलिंग कर देंगे या इनएक्टिवेटेड कर देंगे, तो फिर वो जाएगा मैक्रोफेज, टी सेल्स, एंटीबॉडी, मेमोरी टी सेल्स, वो सारा प्रोसेस सेम होगा। और केमिकल्स, ये इनको हम हीट से या फिर किसी केमिकल्स के जरिए इसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं या फिर इसकी किलिंग कर देते हैं। मेंटेनिंग एपिटोप, अच्छा किलिंग इस तरह करते हैं, एपिटोप याद है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पे फैब रीजन था, यहाँ पे एपिटोप आके लग रहा था, याद है एपिटोप? एपिटोप क्या होता है कि आपकी एंटीजन का एक मखसूस हिस्सा होता है जो आपके फैब रीजन पे आके जुड़ता है। अब हमने इसकी किलिंग इस तरह करनी है कि उसका ये एपिटोप नहीं खत्म होना चाहिए, एपिटोप स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर एपिटोप स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या वो आपकी एंटीबॉडी साथ आके लगेगा, तो क्या मेमोरी बनेगी, मेमोरी नहीं बनेगी, आपके सेल्स एक्टिव ही नहीं होंगे, इम्यून सेल्स, तो
हमने क्या करना है उसकी इस तरह उसको किलिंग करनी है, इस तरह के केमिकल्स देने हैं और इस तरह हीट देनी है कि वो खुद तो मर जाए लेकिन उसकी जो एपिटोप की स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि वो फाइब्रिन के साथ जुड़ सके और मेमोरी बन सके। यही एपिटोप स्ट्रक्चर ऑन सरफेस एंटीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये मेंटेन होनी चाहिए। देखिए मेंटेनिंग एपिटोप स्ट्रक्चर ये लाजमी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। मेनली इंड्यूसेस अप ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ऊपर क्या था दोनों थे, ये याद रखना आपने कि इसमें क्या था दोनों और इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज वाला रिस्पॉन्स होगा, CD8 पॉजिटिव वाला नहीं होगा। समझ आ गया है? तो इसके देखें सेवर देन लाइव वैक्सीन, क्यों क्यों उससे सेव क्यों होती है ये लाइव अटेंडेड वैक्सीन से, वो भी है, और वो उसमें हमने कहा था वीक है और वीक हमने कहा था रिवल्ट हो सकते हैं, रिवल्ट हो सकते हैं, कास कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये तो है ही मरे हुए, रिवल्ट करें जो भी करें बेचारे हैं ही खत्म, मरे हुए को कौन मारे हैं, जिंदा लाश घूम रही है, वैसे जिंदा लाश तो ऊपर वाले होते हैं लाइव टेनोवेटेड, बेचारों को मार भी दिया जाता है और बेचारों के पास सांस भी चल रही होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही मरे हुए होते हैं, मुर्दा होते हैं बेचारे, तो ये मरे जिंदा लाश जो है ना उठ सकती है एक दिन, दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, हैं सुधर सकती है, लेकिन जो मरा हुआ है बेचारा वो तो मरा ही हुआ है। चले इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वीक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ऊपर वाली का क्या था स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था। बूस्टर शॉट, इसको हम बूस्टर्स देने पड़ते हैं यूजली रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स क्या होता है वीक रिस्पॉन्स होता है, ऊपर बूस्टर्स नीड नहीं थे लेकिन यहाँ पर बूस्टर्स नीड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है आपने, इसकी जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप रेबीज देख लें, ठीक है, हेपेटाइटिस ए याद रख लें, इन्फ्लुएंजा पोलियो और ये अब चार याद रख लें, ये अगर टाइफाइड याद रखना तो ठीक है, नहीं रखना तो कोई मसला नहीं। वैसे RIP रेस्ट इन पीस है, या फिर ये फार्मूला भी लिखा हुआ है आर ट्रिप कोड किल यू, तो इस फार्मूले से भी आप याद कर सकते हैं। ए से हो गया आपका हेपेटाइटिस, ए से हेपेटाइटिस, टी से आपका हो गया टाइफाइड, आर से हो गया रेबीज, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा और पी से हो गया आपका पोलियो। लेकिन याद रखें ये पोलियो की ये सॉल्व फॉर्म है और यहाँ पर भी पोलियो था ऊपर, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म थी, सेवन फॉर्म थी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये डिफरेंस है, इसीलिए आपने पोलियो को लाजमी याद रखना है। कहाँ पे है टाइफाइड ऊपर, ये देखिए टाइफाइड ओरल वाला प्रोसेस है और 21A है, और यहाँ पर टाइफाइड जो है ना VI पॉलीसेक्राइड इंट्रामस्कुलर है, वो ओरल था ये इंट्रामस्कुलर है, मतलब इसकी जो वैक्सीनेशन हम करेंगे उसके हम कतरे देंगे टाइफाइड के ना, ओरल देंगे उसको, ओरल मतलब उसको हम देते हैं, लेकिन इसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइफाइड की जो ना फॉर्म्स चेंज है, अगर यहाँ पे एंटीजन पॉलीसेक्राइड VI पॉलीसेक्राइड है तो उसमें हम क्या देंगे इंट्रामस्कुलर देंगे और किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देंगे, ठीक है। और अगर टाइप 21 है उसकी तो हम उसको ओरल देंगे, कतरों की शक्ल में देंगे टाइफाइड को, ठीक है, और कौन सी देंगे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन देंगे। समझ आ गया? आगे बढ़े चले जी। अब ये कौन सा होता है, ये सब यूनिट क्या है, इसमें पता क्या है, सिंपल सा है, आसान सा है, इसमें हम ना उसका कोई छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, किसका, पैथोजन का, ना तो हम पैथोजन को मारते हैं पूरी तरह से, ना हम पैथोजन को कमजोर करते हैं, ना हमने टॉक्सिन का कोई वो इम्यूनोलॉजिकल हिस्सा लिया, हमने क्या किया है इसका कोई एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, पैथोजन था ये कंप्लीट एक, हमने उसका ये छोटा सा हिस्सा ले लिया कि हम ये वाला हिस्सा उठा लेते हैं। लेकिन याद रखे हिस्सा वो वाला उठाना है जिस हिस्से में ये एबिलिटी हो कि वो हिस्सा आपके अंदर वो एंटीजन के तौर पर काम करे और आपकी एंटीबॉडीज बनवा सके, मेमोरी सेल्स बनवा सके। तो हम क्या करेंगे, सब यूनिट उठाएंगे उसका, छोटा सा सब यूनिट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीनेशन, छोटा सा पैथोजन का हिस्सा उठा लेंगे, वो इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद एज एंटीजन काम करेगा तो आपकी क्या बन जाएगी एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। वही चीज है कि एपिटोप तो यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसको किलिंग नहीं कर रहे, उसकी किलिंग नहीं कर रहे, हम वही वाला सब यूनिट उठाएंगे जिसका एपिटोप एक्टिव होगा ताकि वो फाइब्रिन के साथ जुड़ सके, वो चीजों को एक्टिव कर सके, मेमोरी सेल्स बन सके। समझ आ गया? तो हमने हिस्सा ही वही उठाना है जो एक्टिव हो सके, ठीक है। तो देखिए इसकी रीडिंग करते हैं, इंड्यूसेस ऑनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, मतलब इंक्लूड्स ऑनली एंटीजेंस, मतलब हम वो वाला एंटीजन इसका उठाएंगे, वो वाला इसका सब यूनिट उठाएंगे जो बेस्ट स्टिमुलेट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को, जो बेस्ट स्टिमुलेट करेगा, जिसकी
जो डिजीज काज नहीं कर सकेगा बल्कि आपके उसको इम्यून सिस्टम को बेस्ट एक्टिवेट कर सकेगा, हमने वो वाला उसका हिस्सा उठाना है। एग्जाम्पल जरा इधर एग्जाम्पल्स में आ जाए, एच बी वी एंटीजन, एच बी एस ए जी, इसका क्या मतलब होता है? एच बी एस ए जी सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी की जो सरफेस एंटीजन है हम सिर्फ वो लेते हैं, ठीक है, सरफेस एंटीजन ले लेते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है? मेमोरी बन जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एच पी वी टाइप 6, 11 एंड 16 एंड 18, ये दो एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें, बाकी याद करें या ना करें, ए सेलर प्रोटियोसिस, नेजीरिया मेनिनजाइटिस, वेरियस स्ट्रेन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एच बी वी और एच पी वी ये नहीं बोलना चाहिए आपको, इनको लाजमी याद रखना है आपने। और इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं? कि लोअर चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, क्योंकि हम इसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं, ना तो पैथोजन को मारते हैं ना कोई वीक पैथोजन लेते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, छोटा सा हिस्सा क्या डिजीज काज करेगा, तो एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, और इसके वीकर इम्यून रिस्पॉन्स भी बहुत, मतलब इसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? वीक सा होता है, क्योंकि इसको जरा अमीर लोग लगवाते हैं, क्यों वो लगवाते हैं? कि हमें जो है ना ये खतरा ना हो कि हमें डिजीज भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है, तो हमें डिजीज का खतरा बिल्कुल भी ना होता हो, वो फिर इसके बूस्टर्स लगवाते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और खोती के खिलाफ है, एच बी वी और एच पी वी के अगेंस्ट होती है, उसके लिए हम इसकी वैक्सीनेशन करते होते हैं। समझ आ गया? किस शर्त में? उसका हम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ उसमें हो सकता है कि आपके स्पाइक्स जो है ना वो टॉक्साइड में भी तो आ सकते हैं, कि उसका अगर हमने वो उसका इम्यूनोलॉजिक हिस्सा लिया है, ये अब डिपेंड करता है कि वो स्पाइक्स इम्यूनोलॉजिक हैं कि या सिर्फ उसका एज हम उसको सब यूनिट ले रहे हैं, अगर वो एज ए आपका जो है ना इम्यूनोलॉजिक है और उसका पैथोजेनिक हिस्सा बाकी रिमूव कर रहे हैं ना सारा, अब इस चीज पे गौर करें, बाकी कोविड का सारा हिस्सा रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ स्पाइक्स ले रहे हैं, अब ये उन्हीं डॉक्टर्स को पता होगा जो रिसर्च पे इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, अगर वो आपका स्पाइक्स जो है ना एज ए काम कर रहा था इम्यूनोलॉजिक, तो वो आपका टॉक्साइड होगा, अगर वो वैसे हमने उसका सब यूनिट लिया तो वो फिर आपका सब यूनिट में आ जाएगा, ये डॉक्टर बीन और डॉक्टर जॉन है मेरे ख्याल में, ये इसके ऊपर बात करते होते हैं काफी ज्यादा डेली बेस पे, कोविड पे आजकल जो चीजें चल रही हैं, ये रिसर्च डॉक्टर्स हैं काफी फेमस, तो उनको वो बता सकते हैं टॉक्साइड है या फिर सब यूनिट है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोग का? जो हम जैसे एंटीबायोटिक दिए तो वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी हो वो हमारी गई, पैसिव तो इम्यूनिटी, फीवर हो गया या कोई हाँ एंटीबॉडी वो बेसिकली जाके हमारी आर्मी की हेल्प कर रहा है, वो जी बेसिकली जाके हमारी आर्मी की हेल्प कर रहा है, ठीक वो है, हमारी पैसिव पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा। हाँ इम्यूनिटी हाँ हाँ ये देख लें कि पैसिव इम्यूनिटी आफ्टर डिजीज, एक्टिव इम्यूनिटी बिफोर डिजीज, ये बात याद रखनी, जैसे मेडिसिन होती है मेडिसिन आफ्टर डिजीज, वैक्सीनेशन बिफोर डिजीज, समझ आ गए? लगाते हैं वो हमारी एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। कोई और सवाल? गुड, वेरी गुड, क्वेश्चंस किया करें, ठीक है, तो ऐसे नॉलेज बढ़ता है मेरा भी और आप लोगों का भी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।